वो करेंगे एक बड़ी खबर का जो राजधानी रायपुर से मिल रही है। निगम मंडलों में नियुक्ति की राह देख रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का इंतजार जल्द खत्म होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निगम मंडल में जल्द ही नियुक्ति के संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, इसलिए कई काम रुके हुए थे। अब कोरोना ढलान पर है और जल्द ही हमारे प्रदेश प्रभारी भी पूरी तरह स्वस्थ होंगे। इसके बाद बैठक कर निगम मंडल की दूसरी सूची जारी की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने संकेत दे दिए हैं कि जल्द ही निगम मंडल की दूसरी सूची जारी हो सकती है और इसके लिए कोरोना को जिम्मेदार भी ठहराया है कि कोरोना की वजह से कई सारे ऐसे जरूरी काम थे जो रुके हुए थे और अब जैसे कोरोना के मामलों पर कमी देखी जा रही है तो जो रुके हुए काम है वो जल्द ही पूरे किए जाएंगे और साथ ही निगम मंडल की दूसरी सूची भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रूपेश गुप्ता जुड़ गया है। रूपेश, सीएम भूपेश बघेल ने संकेत तो दे दिए हैं, फिर भी कितना वक्त और लग सकता है निगम मंडल की दूसरी सूची आने में? देखिए, इसे लेकर के हमने पहला सवाल ये पूछा कि क्या अभी जो दिल्ली जा रहे हैं तो आलाकमान से इस मसले पर चर्चा हुई, तो उन्होंने इनकार किया, कहा कि पुनिया जी अभी कोरोना ग्रस्त रहे हैं और पुनिया के कोरोना ग्रस्त होने की वजह से फिलहाल चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन एक दो दिन में जो उनका उनकी मियाद है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद फिर बातचीत होगी, जल्द सूची जारी हो सकती है। उन्होंने साफ तौर से संकेत दिए और कहा कि क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग थे जिसमें से निगम मंडल की एक सूची जारी करना भी पेंडिंग था, लेकिन अब जबकि कोरोना ढलान पर है तो इस पर चर्चा की जाएगी और इस पर बातचीत करके जल्द ही नियुक्तियां कर दी जाएगी। रूपेश, बाकी सारे काम के रुके होने का भी जिक्र किया गया था कि बाकी सारे काम भी कोरोना की वजह से रुके हुए थे जो अब पूरे कर लिए जाएंगे, किस तरफ इशारा था? देखिए, ऐसे बहुत सारे काम हैं, सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत सारे वादे किए हैं घोषणा पत्र में जिनको पूरा करना है सरकार को, और इस दिशा में निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संदर्भ में बयान दिया है कि कोरोना की वजह से लंबा समय चला गया, अगर मोटे तौर पर देखें तो 8 महीने जा चुके हैं, इसके अलावा करीब 4 महीने उनके चले गए हैं चुनाव में, तो 1 साल का कार्यकाल पूरी तरह से भूपेश बघेल चुनाव खोल करके काम नहीं कर पाए हैं, तो इस लिहाज से अब आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब उनके पास काम करके कुछ दिखाने का मौका है, क्योंकि देश भर की नजरें छत्तीसगढ़ पर है, इसके विकास के मॉडल पर है जिसमें सीधे पैसा जो है वो किसानों के हाथ में जा रहा है, कंज्यूमर के हाथ में जा रहा है, और जो ट्रिकल डाउन की थ्योरी है डेवलपमेंट की उसके अगेंस्ट में एक नई थ्योरी आई है, राहुल गांधी ने जो पिछली बार बात कही थी कि सीधे किसानों को दिया और फिर उसके बाद जब इनकम सुनिश्चित होगी तो वो पैसे बाजार में आएंगे, तो ये जो रिवर्स मॉडल है डेवलपमेंट का इसको लेकर के छत्तीसगढ़ अपने स्तर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चलिए रूपेश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।